आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपकी जो प्रीवियस कंपनी है और आपने कंपनी स्विच करी है, किसी नई कंपनी में गए हो, और अगर आपका प्रीवियस कंपनी से फीडबैक सही ना दे तो क्या नेक्स्ट कंपनी वहाँ से टर्मिनेट कर देगी या कंपनी वहाँ से बाहर निकाल देगी अगर फीडबैक ना दे सही। तो बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक का जरूर देखते रहना, तो ज़्यादा टाइम लगते वीडियो को शुरू कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, फीडबैक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ों को लेके वहाँ पे मैटर करता है आपकी जॉब्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी में वहाँ पे रिजाइन डाला, कोई नई कंपनी में ज्वाइन करा, तो 100% वो कंपनी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती हैं आपकी प्रीवियस कंपनी से, और इसके बाद वो फीडबैक फॉर्म होता है, यानी कि एक फीडबैक का भी कॉलम होता है, या वो मेल के थ्रू वहाँ पर बोलते हैं कि इस बंदे का फीडबैक क्या है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, उनको फीडबैक वो सिर्फ इसलिए लेती हैं कि कैंडिडेट का वहाँ पे बिहेवियर कैसा था, कैंडिडेट वहाँ पे काम कैसा करता था, वो सारी चीज़ें। अब आपका अगर कुछ पंगे के साथ वहाँ पे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में छूटे हो या वहाँ से रिजाइन करके उस वजह से गए हो, तो कंपनी कई बार होता है वो गलत फीडबैक दे देती हैं कि वो बंदा सही नहीं है, वो बंदा गलत ये वो। अगर एक नॉर्मली बहस हुई है या इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं बता दूँ दोस्तों कि ऐसा कोई नहीं होता है। मतलब 99% के लिए मैं बता सकता हूँ कि कंपनी गलत फीडबैक नहीं देती हैं। आप वहाँ पे किसी भी तरीके से निकले हो, कंपनी गलत फीडबैक नहीं देती, क्योंकि वो कभी एक अपने एम्प्लॉय में, चाहे वहाँ पे रहो चाहे ना रहो एम्प्लॉयमेंट में, कभी वो गलत नहीं सोचती। तो 99% केसेस में वो फीडबैक कंपनी सही ही देती है। हाँ, फीडबैक तब गलत हो सकता है कि आपने पता चले वहाँ ऑफिस में रह के किसी से छेड़छाड़ कर दी हो, या पता चले अपने मैनेजर को ही गाली वाली दे दी हो, या किसी को मारपीट दिया हो। इस कंडीशन में होता है कि फीडबैक कंपनी गलत दे देती है। लेकिन अगर आपने रिजाइन डाला है और थोड़ी सी भी अगर बायस हुई है ये वो, तो कंपनी ज़्यादातर केसेस में फीडबैक गलत नहीं देती है आपके लिए। जब आप वहाँ पे कोई एक ब्लंडर मिस्टेक कर देते हो, बहुत बड़ी मिस्टेक, तभी वो प्रीवियस कंपनी आपको नेक्स्ट कंपनी में वो गलत फीडबैक देती है। वो हालांकि वो इंटरनली होता है, वो हम लोगों को नहीं दिखाया जाता वहाँ पे, लेकिन अगर मेरी बात होती रहती जो एचआर डिपार्टमेंट है या और सारी चीज़ें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि कंपनी कभी भी आपका गलत फीडबैक नहीं देती। क्योंकि यार उन्हें पता है बंदा तो जा ही रहा है, जा चुका है, यार एक मेल पे यस या नो करना है या थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, तो उसके फ्यूचर का सवाल है, तो वो लोग खुद सोचते हैं। इवन अगर कंपनी नहीं सोचती तो एचआर होता है, जो वहाँ पे एचआर टीम होती है, वो मैनेजमेंट सोच के हमेशा फीडबैक सही देती है। बट वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक कर दी है या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती। सो ये आपके मन में जो डाउट है कि यार कंपनी फीडबैक देगी तो मेरी कंपनी फीडबैक गलत ना देते। एंड दोस्तों, जो एक और ख़ास बात इसमें होती है कि अगर नेक्स्ट कंपनी में, प्रीवियस कंपनी में फीडबैक अगर सही नहीं दिया है, तब भी वो इतना ज़्यादा उनका मतलब नहीं होता। अब ये नहीं कि अगर उसने फीडबैक गलत दे दिया तो आपको नेक्स्ट कंपनी से निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर फीडबैक आपका गलत हो गया तो कंपनी आपको निकाल देगी। इतना ज़्यादा फीडबैक का मैटर नहीं करता। अगर आपके पास टैलेंट है, आपने अगर आपने इंटरव्यू वहाँ पर क्रैक कर दिया, तो कंपनी इतनी जल्दी आसानी से टर्मिनेट नहीं करती हैं। और रही बात फीडबैक की, तो फीडबैक से किसी नेक्स्ट कंपनी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक उनका प्रोसेस होता ना कि चलो हाँ बंदे का फीडबैक ले लो, प्रीवियस कंपनी कैसा था क्या था वहाँ पे, वो सारी चीज़ें। बाकी फीडबैक से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और ज़रूरी नहीं कि हर एक कंपनी फीडबैक ले भी, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई कंपनीज में, बेसिकली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें फीडबैक वो लेते हैं, और फीडबैक को इतना ज़रूरी नहीं होता है कि। आई होप दोस्तों, इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूजन या डाउट हो वो पूरा क्लियर हो गया हो। इसके बाद भी अगर आपको कॉमेंट्स या क्वेरी, नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।